तो दोस्तों, हम लोग आज आपके लिए लेके आए हैं फेसबुक की कुछ ऐसी सेटिंग्स जिससे आपका फेसबुक अकाउंट हैक होने से बचेगा। ये सारी फेसबुक की सिक्योरिटी सेटिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या ये सेटिंग्स क्या हैं और कैसे आपको हेल्प कर सकती हैं। Hello friends, welcome to our YouTube channel. Please subscribe our channel for latest updates and don't forget to press the bell icon. दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक की सिक्योरिटी सेटिंग्स की। जी हाँ, फेसबुक को हैक होने से बचाना है अगर आपको, तो ये सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। ये सेटिंग्स ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 मिनट लेंगी आपकी और आपके फेसबुक अकाउंट को बचा के रखेंगी किसी भी ऐसे बंदे से जो कि आपके फेसबुक अकाउंट को हैक करना चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे बहुत कुछ आ गया है। अब आपको देखना है इसमें से, आपको इसमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सर्च करना है। देखिए लास्ट में कहीं पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है और वहाँ पे आपको जाके इसको जो है क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, ये जो सेटिंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आपका फ़ोन काफ़ी टाइम से आपका फेसबुक अकाउंट यूज़ हो रहा है और अगर आपने आज तक उस सिक्योरिटी सेटिंग्स को कभी ध्यान से देखा नहीं है। तो चलिए सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के अंदर जाके सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं सेटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइप की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं और प्राइवेसी सेटिंग्स हैं। हमें बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, सिक्योरिटी सेटिंग्स। हम लोग सिक्योरिटी एंड लॉगिन के अंदर जाएंगे और वहाँ पर आपके पास बहुत सारे टाइप की सेटिंग्स आ जाएंगी। ये सारी सेटिंग्स आपके लॉगिन रिलेटेड सेटिंग्स हैं जिसके अंदर आप कहाँ कहाँ से लॉगिन करते हैं, कौन कौन से आपके रिकॉग्नाइज डिवाइसेज हैं, क्या क्या लॉगिन कर रखा है आपने, वो सारे टाइप की चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। आप यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए फर्स्ट ऑप्शन में जहाँ पे वो आपको बताता है कि आप कहाँ कहाँ से लॉग्ड इन हैं, करंटली आप कहाँ कहाँ से लॉग्ड इन हैं। आप देखिए मेरा फेसबुक अकाउंट कहाँ कहाँ से लॉग्ड इन है, मतलब मुझे भी नहीं पता इतने सारे डिवाइसेस से लॉग्ड इन है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमें इन सभी सेशन से हमें अपने अकाउंट को लॉग आउट करना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके पास भी पक्की बात है कि आप जब अपनी सेटिंग्स में जाएंगे आपके पास भी काफ़ी सारी जगह से आपको दिखेगा कि आप यहाँ पे लॉग्ड इन है। तो हमारे सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि इन सबको हम लोग लॉग आउट करें ताकि हमें पता हो कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो चाहे तो सिर्फ हमारे कंप्यूटर से या फिर हमारे फ़ोन से ही लॉग्ड इन है। तो सबसे पहले चलिए करते हैं इसको लॉग आउट और फिर आगे चल के बात करते हैं। तो जब तक दोस्तों ये लॉग आउट हो रहा है, इतनी ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपके फेसबुक अकाउंट के लिए, तो आप एक लाइक तो हमारी वीडियो को कर ही दीजिए। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस कर रहा है। जी हाँ, अब हो गया है। अब आप क्लियरली सामने देख सकते हैं सिर्फ एक फ़ोन दिखा रहा है, OnePlus 7 Pro, उसके अलावा कोई भी लॉग्ड इन नहीं दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग की ओर जो कि हमें दिख रहा है चेंज पासवर्ड एंड सेव योर लॉगिन इन्फो। तो देखिए चेंज पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जब आपने काफ़ी टाइम से अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया होता है। आपने कहीं कहीं जाके आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका पासवर्ड लोगों को पता हो। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आप उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे और लोग आपका अकाउंट आराम से एक्सेस कर पाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप अपने पासवर्ड को चेंज कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट सेटिंग पे आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेटिंग हमारी जो है वो है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये तब सबसे ज़्यादा काम आती है जब आपका डिवाइस किसी भी पब्लिक डिवाइसेस से या पब्लिक डेस्कटॉप से आपका अकाउंट यूज़ करने की कोई कोशिश करता है तो फेसबुक को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये रिकॉग्नाइज डिवाइस नहीं है और वहाँ पर आपसे 2 टाइप के ऑथेंटिकेशन मांगेगा, जिसमें कि 2 टाइप ही होते हैं, टेक्स्ट मैसेज या ऑथेंटिकेशन ऐप। तो टेक्स्ट मैसेज में क्या होता है कि आपके पास एक मैसेज आता है जिसके अंदर OTP होता है, आपको वो कॉपी करके आपको पेस्ट करना होता है इसी तरीके से और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होता है फेसबुक का और ये तभी लॉगिन करता है आपके फेसबुक अकाउंट में। तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर तरीका है ये फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली जो ऑथेंटिकेशन है ये आप सभी ऑन करें। मैं चाहूँगा कि ताकि आपके एटलीस्ट जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट उनका फेसबुक अकाउंट कभी भी हैक ना हो। तो देखिए मैंने अपना पासवर्ड भी डाल दिया है तो इसकी वजह से अब हमारा जो है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा। देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ ऑन। चलिए फिनिश करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट
प्रीवेसी सेटिंग की ओर, वो है ऐप पासवर्ड्स। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और इससे आपका फेसबुक अकाउंट हैक होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारी जो सेटिंग है वो है ऑथराइज लॉगिन। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सारे ही ऑथराइज लॉगिन्स जो हैं, जो आपके दिख रहे हैं सामने, इन सभी को आप सबसे पहले डिलीट कर दें। जी हाँ, इन सबको क्रॉस क्रॉस दबा के सबको हटा दें यहाँ से, क्योंकि जितने भी ऑथराइज लॉगिन हैं आपको भी नहीं पता होगा आपने कहाँ कहाँ से लॉगिन कर रखा है, और फेसबुक हर एक को ऑथराइज लॉगिन मान लेगा। तो इन सबको अगर आप हटा देंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं एक एक करके और फिर आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने फटाफट हटा दिए सारे और अब यहाँ पे कोई भी ऑथराइज लॉगिन नहीं है, तो इससे मेरा अकाउंट जो है अब और भी ज़्यादा सिक्योर हो गया है। नेक्स्ट सेटिंग जो हमारे पास है वो सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ये सेटिंग एक्स्ट्रा सिक्योरिटी करने के लिए है कि सपोज़ कीजिए कहीं पे किसी भी अनरिकॉग्नाइज डिवाइस पे आपका फेसबुक अकाउंट कोई लॉगिन करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगी, किसी भी तरीके से आप उस नोटिफिकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपको पता लग जाएगा कि कोई नोटिफिकेशन, कोई भी अनरिकॉग्नाइज डिवाइस किसी ने लॉगिन किया है या नहीं किया। जो नेक्स्ट सेटिंग है वो हमारी है ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स की। इसमें वो क्या करना है, आपको तीन अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स जो कि आपके खास दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनको सिलेक्ट कीजिए और उनको इसमें डाल दीजिए, ताकि कल को आपका कभी फेसबुक लॉक होता है तो इनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगी, या कोई हैक करता है तो इनके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग की ओर चलते हैं फटाफट से। और वो हमारी जो सेटिंग है वो ये है कि आपकी ये जो क्या कहते हैं इसको, सेफ़ ब्राउजिंग होती है। सेफ़ ब्राउजिंग क्या कहते हैं कि जिसमें कि कोई भी दिक्कत हो तो फेसबुक को पता लग जाए कि कोई भी अनरिकॉग्नाइज वाईफाई है, कोई भी अनरिकॉग्नाइज ब्राउज़र है, तो उसको पता लग जाएगा फेसबुक को कि कोई डाटा आपका चोरी करने की ट्राई तो नहीं कर रहा। तो अगर आप इसको लॉगिन करके रखेंगे तो इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये आपको करने से मना कर देगा जब भी आप अनसेफ ब्राउज़र के ऊपर होंगे। तो देखिए, हम वापस आ गए हैं हमारे सिक्योरिटी वाले पेज पे। हमने सिक्योरिटी एंड लॉगिन्स को पूरा कवर किया है। अब हम बात करेंगे प्राइवेसी सेटिंग्स की, जिसके अंदर बहुत कुछ है। और मैं साथ ही साथ आपको दोस्तों ये बता देता हूँ कि आप अगर अपनी कोई भी डिटेल्स आपने एवरीवन को शो कर रखी है अपनी सेटिंग्स में जाके, तो वो बिल्कुल गलत है। आप उसमें एवरीवन को शो ना करें, अपनी सारी सेटिंग्स आप या तो ओनली मी करें या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या फ्रेंड्स कर लें, ताकि आपके जो डिटेल, जो आपका जो डेटा है वो कहीं पे भी ना जा पाए और आपका डेटा सिर्फ फ्रेंड्स के अंदर ही सीमित हो। जैसे कि कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं, आपके पोस्ट हैं, आपकी आपका बर्थडे, आपके बर्थडे की डेट है, बर्थडे का बर्थ ईयर है, वो सारी जो चीज़ें हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स तक ही शो करना चाहिए और उसके आगे शो नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर एक चेकअप भी है जिसके अंदर आपको ये दिखा देगा, देखिए इसके अंदर फ़ोन नंबर है वो मैंने सिर्फ ओनली मी कर रखा है, अपनी ईमेल आईडी मैंने ओनली फ्रेंड्स कर रखा है सब कुछ, मैंने अपने जो बर्थ ईयर है वो 1991 वो मैंने सिर्फ ओनली मी कर रखा है। अगर मैं बात करूँ इसको चेंज करने की, तो जैसे आप एक टैप करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें आप दिखा सकते हैं आपका होम टाउन क्या है। आप ये सारी सेटिंग्स में आपको कहूँगा कि आपकी सारी पर्सनल सेटिंग्स हैं और आप इसको पब्लिक ना करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बनी रहेगी। देखिए, जैसे बर्थ डेट और बर्थ ईयर जो होता है, इसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि आपके इसी डाटा को यूज़ करके आपका पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो ये डाटा इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस डाटा को छुपा के रखें और जितना छुपा के रखेंगे उतना आपके लिए ही बेहतर होगा। कुछ और सेटिंग्स भी होती हैं दोस्तों जो कि आपको करनी चाहिए, जैसे कि हु कैन फाइंड यू यूजिंग योर ईमेल एड्रेस, हु कैन फाइंड यू यूजिंग योर फ़ोन नंबर। ठीक है, ये सारी ही सेटिंग आप जो है सर्च इंजन रिजल्ट्स के अंदर ना आ पाएँ तो उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं, और आपके फ़ोन नंबर के थ्रू कोई सर्च ना कर पाए आप उसको भी ऑफ़ कर सकते हैं, ओनली मी कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी के थ्रू आपको कोई सर्च ना कर पाए आप उसको भी ओनली मी कर सकते हैं। ये तीनों सेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज किसी के पास अगर आपका फ़ोन नंबर सेव है तो आपको ईजिली ढूंढ पाएगा और आपका अकाउंट जो हैक कर पाएगा। अगर आपका जो अकाउंट है वो गूगल पे लिस्टेड है तब भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर पाएँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये जितनी भी सेटिंग्स हैं ये आप तरीके से गो थ्रू करें, जैसे जैसा मैंने दिखाया है वो सारी सेटिंग्स आप अपने अकाउंट में करें, और उम्मीद करूँगा कि आपको इस वजह से हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आप समझ पाएंगे कि आपके क्या क्या प्राइवेसी सेटिंग्स हैं और कैसे कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट बचा सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ टाइम पर मिल पाएँ।